हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वाति मिस। वी आर सीइंग सिक्स स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर नंबर 10। ओके, द नेम ऑफ द चैप्टर इज मोशन एंड मेजरमेंट of distances। Okay, in this chapter we are going to study motion and measurement of distances। ठीक है, हमें इस chapter में किस चीज़ की study करनी है? We are going to study motion and measurement of distances। ठीक है, तो ये start करने से पहले हम एक बात जान लें कि ये जो है हमारा जो science है ना, साइंस को हम क्या करते हैं, अभी सिक्स स्टैंडर्ड से साइंस को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है फिजिक्स, दूसरी है केमिस्ट्री और तीसरी है बायोलॉजी। ओके, पहली कैटेगरी कौन सी है? फिजिक्स, दूसरी है केमिस्ट्री, तीसरी है बायोलॉजी। ठीक है, हमने जो फर्स्ट लेसन देखा था, कौन सा था फर्स्ट लेसन? फर्स्ट लेसन हमारा था, हमने जो देखा था वो था फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, इट वॉज द लेसन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हमारे सराउंडिंग में है ना, जैसे कि एनिमल्स है, प्लांट्स है, इनकी स्टडी हम जिसमें करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। सेकंड है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? केमिकल्स की स्टडी करते हैं। तो हमारा जो पहला लेसन था फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, इट वॉज द पार्ट ऑफ वॉट? इट वॉज पार्ट ऑफ बायोलॉजी। हमने दूसरा लेसन जो देखा वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये भी लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट? बायोलॉजी। थर्ड हमने जो देखा था वो था फाइबर टू फैब्रिक, है ना, फाइबर टू फैब्रिक, ये जो लेसन है मटेरियल से रिलेटेड लेसन है, इट वॉज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, इट वॉज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये तीन लेसन हमने कर चुके हैं, है ना, तीनों लेसन्स की एक्सरसाइज भी आपने सॉल्व की है, हमने लेसन लिखा, उसके नोट्स बनाए, उसके एक्सरसाइजेस बनाए, है ना, ये तीनों लेसन्स की एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व की है। ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक की जो एक्सरसाइज है उसका भी आपको एक दो दिन में उसके फोटोज में आपको सेंड करने वाली हूँ। ठीक है ना, अभी हम जो लेसन स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज लेसन नंबर 10, कौन सा? मोशन। ये लेसन है फिजिक्स से रिलेटेड, ये लेसन किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से रिलेटेड है। ओके, तो फिजिक्स मतलब क्या, जिसमें आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट के मोशन की, मूवमेंट की स्टडी करते हो, उसे आप बोलते हो फिजिक्स। ठीक है, फिलहाल के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है हमें। साइंस जो है, साइंस को हम अभी तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक है फिजिक्स, दूसरी केमिस्ट्री, तीसरी बायोलॉजी। हमने बायोलॉजी के दो लेसन कवर किए, एक केमिस्ट्री का लेसन कवर किया, अब हम कवर करने वाले हैं लेसन का फिजिक्स का। कौन सा? व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन? द नेम ऑफ द लेसन इज मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, इट इज मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। चलो, ओके, तो इस चैप्टर में सबसे पहली चीज हमें जो डिस्कस करनी है वो है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? ट्रांसपोर्ट मतलब इट इज रिलेटेड विथ ट्रैवलिंग, इट इज रिलेटेड विथ व्हाट? ट्रैवलिंग। अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी, मुझे बताओ तो विच व्हीकल यू हैव यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। आज तक आपने ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए कौन कौन से व्हीकल्स का इस्तेमाल किया है, बताओ तो, सोचो थोड़ा सा इस बारे में।
ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए आपने क्या क्या इस्तेमाल किया है, या आपके सराउंडिंग में कौन कौन से व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी लिस्ट बनानी है, नोटबुक में लिखनी है। हाँ, ये एक्टिविटी क्या क्या इस्तेमाल करते हो आप लोग। ठीक है, हम लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ जब आप छोटे बेबीज थे, है ना, तो आपने कौन सी साइकिल चलाई थी, क्या यूज़ करते हैं हम, ट्राइसिकल, याद है, तीन पहियों वाली साइकिल यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए छोटे बच्चे। ओके, कई लोग बाहर, घर के बाहर भी ट्राइसिकल लेके आते हैं। उसके बाद में सेकंड, आप क्या चलाते हो, बाइसिकल, दो पहियों वाली साइकिल। पापा ऑफिस में क्या लेके जाते हैं, टू व्हीलर हो सकती है आपके पास, टू व्हीलर, है ना, टू व्हीलर में स्कूटी हो सकती है, या स्कूटर हो सकती है, या होंडा बाइक हो सकती है। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हो। दो इंसान इस पे बैठ के एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवलिंग करता है। और कुछ, आप ऑटो रिक्शा इस्तेमाल कर सकते हो, थ्री व्हीलर बोलते हैं ना इसको हम, ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल कर सकते हो ट्रांसपोर्ट के लिए। जब एक से एक फैमिली को अगर साथ में कहीं पे जाना है, तो सारे लोग अगर टू व्हीलर पे नहीं आ सकते, तो आप क्या इस्तेमाल करते हो, थ्री व्हीलर इस्तेमाल करते हो, दैट इज़ ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा के बाद में और क्या चीज़ इस्तेमाल की करते हैं, ऑटो रिक्शा के बाद में, यस, आप कार इस्तेमाल कर सकते हो, आप बस इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा और कुछ, कभी कोई ट्रक में गया है क्या? जनरली जब आपको कोई गुड्स के कैरियर के लिए, गुड मतलब माल, गुड्स के कैरियर के लिए ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। एप्पे रिक्शा होती है ना छोटी, क्या बोलते हैं इसको, मिनी ट्रक। ट्रक जितना बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इससे क्या कर सकते हो, आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। ये है बस, रिक्शा, ट्रक, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो। अगर कहीं बहुत दूर जाना है आपको, तो आप कार वगैरह का इस्तेमाल करते, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, तो आप रेलवे का इस्तेमाल करते हो, है ना, रेलवे का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है गाँव में क्या इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें अभी गाँव में भी अवेलेबल हैं, लेकिन अगर खेत में जाना हो, तो खेत के जो कच्चे रास्ते हैं उसके ऊपर बुलक कार्ट का भी इस्तेमाल करते हैं ना। अभी ये नहीं किया जाता है ज़्यादा, लेकिन एक ज़माना था जब बुलक कार्ट का या हॉर्स कार्ट का, जहाँ पे जो एनिमल अवेलेबल है वो एनिमल का इस्तेमाल किया जाता था, हॉर्स कार्ट और बुलक कार्ट। अभी ये इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हमने देखी है, ये आप कहाँ पे यूज़ करते हो, ऑल दिस थिंग्स आर यूज्ड ऑन रोड, है ना, ऑन रोड। ये चीज़ें आप क्या करते हो, ट्रैवलिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हो, बराबर है। क्या क्या इस्तेमाल करते हो देखो, विच व्हीकल यू हैव यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, यू यूज बाइसिकल, ट्राइसिकल, बाइसिकल, टू व्हीलर, ऑटो रिक्शा, कार, बस, ट्रक, एपे रिक्शा, रेलवे। कोलकाता साइड में एक ट्रैम भी हुआ करती थी। ये ट्रैम, पता है इसके रूल्स, हमारे इधर मुंबई में भी ऐसे बोलते हैं कि कुछ 20-21 साल पहले ट्रैम गाड़ियाँ हुआ करती थी, इसके भी रेलवे जैसे रूल्स होते थे, रेल्स होते थे जिसके ऊपर ये गाड़ियाँ चलती थी, ट्रैम। अभी नहीं पाई जाती, लेकिन मैंने सुना है कोलकाता साइड में ये अभी भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं ऑन रोड, रोड पे ट्रैवलिंग के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑन रोड का मतलब क्या, रोड के अलावा भी कहीं पे, रोड या लैंड के अलावा भी कहीं पे यूज़ किए जाते हैं क्या व्हीकल्स, लैंड के अलावा, यस, वाटर में कोई व्हीकल्स है क्या बताओ तो, वाटर में क्या क्या चलता है, एक काम करेंगे, ये जो पहली रोड वाली एक्टिविटी मैंने की है ना, वाटर वाली एक्टिविटी आप करो, मुझे इसका फोटो चाहिए, मुझे कम से कम तीन चीज़ें ऐसी चाहिए जो वाटर में ट्रैवल करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, मैं बता सकती हूँ आपको, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये नाम मुझे आप बताओ। इसके बाद में एयर पे, एयर में भी तो आप ट्रैवल कर सकते हो ना,
एयर में ट्रैवल करने के भी एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस भी मुझे आप लोग बताओगे। एयर में ट्रैवल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ करते हो, ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रैवलिंग के लिए एयर पे कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ें मुझे आप बताओगे। ठीक है, ओके। सो ये एक्टिविटी आपको नोटबुक के अंदर करनी है, विच व्हीकल्स यू यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ क्या देखी, हम पेज टर्न करते हैं। सी, यहाँ पे हमने एक चीज़ क्या नोटिस की कि देयर आर डिफरेंट मीन मतलब साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इज डन ऑन लैंड वाटर एंड एयर, ट्रांसपोर्ट इज डन ऑन लैंड वाटर एंड एयर। ओके, लैंड में कुछ हमने ऑप्शंस लिखे हैं कि लैंड में कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो। इसके बाद में हमने देखा है कि वाटर और एयर में भी हम कई चीज़ें ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक और एक्टिविटी आपको करनी है, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर, आपकी जो टेक्स्ट बुक है NCERT टेक्स्ट बुक, उसके अंदर लेसन नंबर 10 का फर्स्ट पेज आपको क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, ये रीड करोगे आप, आपके कुछ इसमें कुछ आपको नाम भी मिल जाएंगे एक्टिविटी सॉल्व करने के लिए, और कुछ अगर मिसिंग पार्ट है कि आपको लगता है कि मिस आपने ये तो एक्सप्लेन ही नहीं किया, तो आप मुझे पूछ सकते हो कि वो टॉपिक मैं आपको क्या करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। ओके, अभी इसके बाद में हम ये जो आपके मीन्स हैं ना ट्रांसपोर्ट के, इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला एंशंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप बता सकते हो एंशंट मतलब पुराने जमाने के, पुराने जमाने में ट्रैवलिंग के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था, क्या बता सकते हो आप लोग पुराने जमाने में? अभी तो हमें पता है क्या क्या इस्तेमाल हम करते हैं, पुराने जमाने में क्या इस्तेमाल किया जाता था ट्रैवलिंग के लिए, किसी को याद है? याद मतलब कहीं देखा है, जैसे अभी मूवीज में रामायण महाभारत सीरियल्स देखी होगी आपने, है ना, क्या इस्तेमाल किया जाता था उसको ट्रैवलिंग के लिए? यस, सी, इन एंशंट टाइम ट्रैवलिंग वॉज डन विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स यूज करते थे। पहली चीज तो है कि बाय क्या बोलते हैं उसको, ट्रैवलिंग के लिए फुट, पैरों का इस्तेमाल करते थे। दूसरा एनिमल्स यूज करते थे, एनिमल्स कौन से, हॉर्सेस, कैमल्स, ऑक्सेस, है ना, ये सारी चीज़ें ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अभी भी कई जगहों पे हॉर्सेस और कैमल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में जो वुडन कैरियर्स होते थे, वुडन कैरियर्स कैरीड बाय एनिमल्स, वुडन कैरियर्स कैरीड बाय एनिमल्स, एनिमल्स से क्या किए जाते थे, वुडन कैरियर्स कैरी किए जाते थे। इसको हम बोलेंगे, हमारे इधर इसको रथ बोलते थे, रथ पता है ना, महाभारत रामायण के सीरियल्स में जैसे दिखाते थे, है ना, रथ या टांगा, ये चीज़ें भी क्या करते थे ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके बाद में पहले फुट का इस्तेमाल होता था, फिर एनिमल्स का इस्तेमाल होने लगा, फिर वुडन कैरियर्स मतलब रथ रहता है, सामने कोई तो भी एनिमल है और पीछे उसको एक क्लोज बग्गी जैसा, बग्गी बोलते हैं ना हम उसे, क्लोज वुडन बॉक्स रहता था जिसमें बैठ के लोग क्या करते थे, ट्रैवलिंग करते थे। तो ये एक चीज़ अवेलेबल थी। उसके बाद में लोगों ने क्या किया, लोग मतलब स्पेशली बोला जाए तो जेम्स वैट, ये जो साइंटिस्ट है, इसने एक मशीन इन्वेंट की जो
स्टीम के ऊपर चलती थी, स्टीम इंजन बोला जाता है उसको। स्टीम पे चलने वाली इंजन इसने क्या की, ढूंढ के निकाली, किसने, जेम्स वैट ने। और इसके बाद में स्टीम इंजन पे चलने वाले, स्टीम इंजन पे चलने वाले रेलवेज आई, ठीक है ना। तो ये सारे हैं एंशंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब मैंने रेलवेज को, स्टीम इंजन वाले रेलवेज को एंशंट मीन में क्यों डाला है पता है क्या, जब हमें, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे 18th century, तभी भी स्टीम इंजिन्स क्या करती थी, दौड़ती थी, ठीक है ना। स्टीम इंजन वाली रेलवेज तभी भी थी, मतलब वो भी क्या है, अभी तो स्टीम वाले कैसे है, पुराने तरीके में से आता है। अभी जनरली हम कौन सी इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली रेलवेज देखते हैं, सो दैट इज़ वाई आई हैव इन्वॉल्व्ड इट इनटू एंशंट। नहीं तो आप बोलेंगे मिस स्टीम इंजन तो ठीक है लेकिन रेलवेज एंशंट नहीं है, है ना। तो इसके वजह से मैंने इसको इस कैटेगरी में डाला है, एंशंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सेकेंड वी विल कंसिडर, और एक चीज़ बाकी है, एंशंट ज़माने में भी तो लोग इसमें ट्रैवल करते थे ना, पानी में ट्रैवलिंग करते थे। तो सी इज ओशियन, वास्को द गामा इंडिया में आया था, कौन से रास्ते से आया था, वो सी वे से आया था। तो समंदर में ऐसे, मतलब सी में, ओशियन में ऐसे कौन से ट्रैवलिंग की चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की थी, तो उन्होंने इस्तेमाल किए थे शिप्स, है ना। तो शिप्स भी एंशंट ज़माने से मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, ये भी स्टीम पे चलते थे, कई सारे जो शिप्स है वो स्टीम पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बुलक कार्ट किस में आएगा, एंशंट में आएगा कि मॉडर्न में आएगा। एनिमल्स उसे अटैच्ड कैरियर, मतलब ये बुलक कार्ट भी आपका किस में आएगा, एंशंट में आएगा, है ना। आज के ज़माने में लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, नहीं करते, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इसमें क्या आता है, देखो मॉडर्न मीन्स में आते हैं आपके फ्यूल पे चलने वाले सारे के सारे व्हीकल्स, जो आप पेट्रोल है या डीजल है, DIESEL, इस पे चलने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं आपके, है ना। मतलब आप इसमें टू व्हीलर डाल सकते हो, थ्री व्हीलर डाल सकते हो, फोर व्हीलर डाल सकते हो, उसके बाद में आपके ट्रक्स आएंगे, वो तो पता नहीं कितने व्हीलर्स होते हैं, 20, 25, 200 व्हील्स वाले ट्रक्स भी होते हैं पता है क्या। ये सारे किस में आएंगे, फ्यूल में आएंगे, फ्यूल वाले व्हीकल्स में, मॉडर्न में आएंगे, बसेस इसमें आएंगी, ठीक है ना। उसके बाद में रेलवेज इसमें आएंगी, देन एरोप्लेन्स इसमें आएगा, एरोप्लेन्स आएंगे, हेलीकॉप्टर्स आएंगे, बराबर है ना। और क्या आएगा, मेट्रोज भी पता है हमें अभी, मेट्रो ट्रेन्स, ये सारी जो है ये मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। दीज ऑल आर मॉडर्न मीन्स ऑफ। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली बाइक भी आई है ना, इलेक्ट्रिसिटी बाइक आई है, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्जिंग वाली कार्स भी आई है अभी मार्केट में, बराबर है। एनवायरमेंट इको फ्रेंडली, जिसमें फ्यूल के तौर पे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, जो सोलर एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिसिटी में करके उससे आप क्या कर सकते हो, व्हीकल्स को चला सकते हो। ऐसी कई सारे मॉडर्न मीन्स है जो अभी आप क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इसमें और एक चीज़ आएगी, देखो एक और ट्रैवलिंग हम करते हैं ना, स्पेस ट्रैवलिंग पता है ना सबको। अगर मुझे स्पेस में जाना है, सपोज मुझे मून पे जाना है, मैं क्या इस्तेमाल करूंगी, एरोप्लेन मून पे जाता है क्या, क्या इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, मून पे जाते हैं, जिसको लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट,
है ना। रॉकेट लॉन्चर से आप क्या करते हो, रॉकेट को लॉन्च करते हो और ये रॉकेट के ऊपर आपका बनाया हुआ बिठाया हुआ होता है स्पेसक्राफ्ट, है ना। ये रॉकेट जैसे ऊपर जाता है वैसे स्पेसक्राफ्ट भी क्या करता है, ऊपर जाता है। मतलब स्पेस में ट्रैवलिंग अगर करनी है तो आपको क्या लगेगा, स्पेस में ट्रैवल करने के लिए हमें लगेगा स्पेसक्राफ्ट, क्या लगेगा, स्पेसक्राफ्ट। ओके, सो दिस इज़ अबाउट ट्रांसपोर्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। ये जो पहला पार्ट है ट्रांसपोर्ट का, ये सिंपल पार्ट है ना, आसान है। कल से हम इस लेसन का मोशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको चाहती हूँ कि एक्सरसाइज में आप एग्जांपल में आप एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व करके दो मुझे। व्हाट इज इट, क्वेश्चन है कि गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट used on land, water and air। land पे, water में और air में कौन से transport के modes इस्तेमाल किए जाते हैं। modes मतलब means, उसका उसके दो दो examples आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। ये lesson के notes निकालो, notes निकालने के बाद में आपको क्या करना है, उसके फोटोज मुझे डालने हैं, और जो मैंने एक एक्टिविटी आपको लिखने के लिए बोली है वो एक्टिविटी भी नोट्स में चाहिए, और ये जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन का आंसर भी मुझे नोट्स में चाहिए, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।